वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो आज है ट्यूसडे और अभी टाइम हो रहा है अराउंड सुबह के 10 बज रहे हैं। सो अभी क्या हुआ, मैं बैठा था थोड़ा, और कल के लिए मैं बताता हूँ कल एक्चुअल में क्या हुआ। कल मैं थोड़ा बाहर गया था, मुझे चार्जर लेना था लैपटॉप का, मेरा चार्जर थोड़ा जल गया था तो मैं चार्जर लेने गया था। चार्जर तो मिल गया, तो साथ में मैंने अपने लैपटॉप को भी लाइक फॉर्मेट कराया था, न्यू विंडोज़ डलवाया था उसमें। तो अभी न्यू विंडोज़ डलवाने के बाद प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो मेरा वाईफाई है उसमें, मैं अभी जस्ट ओपन करके यहाँ पे बैठा हूँ, तो जो मेरा वाईफाई है, वाईफाई में पूरा ये बाजू वाला बिल्डिंग, दूर दूर का वाईफाई, सब जगह का मेरे पे ऑप्शन दे रहा है, और मेरा खुद का जो वाईफाई है उसका ऑप्शन दे ही नहीं रहा है इसमें। और जब मेरे दूसरों का वाईफाई कनेक्ट भी अगर कर रहा हूँ तो उसमें क्या हो रहा है कि मेरा नेट नहीं चल रहा है, मतलब कनेक्ट होने के बाद एरर बता रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे लग रहा है मुझे फिर से इसको लेके जाना पड़ेगा लैपटॉप को, और इसका प्रॉपर ड्राइवर के लिए डलवाना पड़ेगा, प्रॉपर करना पड़ेगा, क्योंकि पहले मेरा सब कुछ ठीक था। अभी जैसे मैंने फॉर्मेट करा के नया वाला डलवाया तो ड्राइवर वगैरह मुझे लगता है कुछ अपडेट नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो गई है उसके लिए। मैंने यूट्यूब पे भी देखा, बहुत सारी वीडियोस देखा कि कैसे इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, बट लाइक कुछ भी नहीं अभी हो पा रहा है मेरे से। तो मुझे लगता है मुझे लेके जाना पड़ेगा किसी के पास, तो वहाँ सेम शॉप पे ही मैं जाऊँगा। बट अभी आपको दिखाता हूँ मैं इधर क्या सीन है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए किसका किसका वाईफाई आ रहा है। वन मेरे मतलब एक फ्लोर ऊपर वाला फ्लोर वालों का आ रहा है, सामने वाले रूम का आ रहा है, और ये देखिए ये ऊपर वाले फ्लोर का है, ये बाजू वाली बिल्डिंग का है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वाईफाई आ रहा है। बट मेरा जो ये वोडाफोन का है ये नहीं आ रहा है, तो अभी इसके लिए बहुत मुझे इशू हो रहा है। तो मुझे अपना क्लासेस वगैरह जो भी करना है उसके लिए प्रॉब्लम होगा, इसीलिए मैं अपने फ़ोन से भी कनेक्ट किया, बट फ़ोन से यार कितना ही कनेक्ट करूँ, यहाँ पे इंटरनेट बहुत ही कॉस्टली है, और वाईफाई से ही बेटर रहेगा यूज़ करना, क्योंकि मेरे पास 2 GB पड़ा है, 2 GB तो इसमें 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा अगर मैं सही से चला दूँ तो इसीलिए अभी इसको लेके शाम को जाऊँगा, बट बहुत प्रॉब्लम होता है। आप लोग भी बताइए अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम कोई फेस करता है उसको कैसा लगता है, लाइक कमेंट करके बताइए, क्योंकि यार मेरे को सच में बहुत गुस्सा आता है इस चीज़ में कि लाइक अभी कल गया, सामान कराया, सब कुछ कराया, आ जाया, अभी देख रहा हूँ प्रॉब्लम, फिर से रिटर्न जाना पड़े। तो जब रिटर्न जाना पड़ता है कोई एक काम के लिए बार बार, तो बहुत गुस्सा आता है। बट मुझे एक काम नहीं है, 2-3 काम है, तो मैं सोच रहा हूँ सारे काम एक साथ निपटा दूंगा जाके आज। तो देखते हैं, अभी निकलने के ट्राई करूंगा शाम में थोड़ा से। और आज मैंने ऑफ ले रखा है, मतलब मेरा छुट्टी तो नहीं था आज, बट मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे छुट्टी चाहिए, तो आज मैंने ऑफ ले रखा है, तो आज छुट्टी ही है समझो मेरा भी आज। तो शाम को फिर से जाता हूँ लैपटॉप का, देखता हूँ हो सके तो सही हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर यार प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मेरे जो क्लासेस वगैरह वो मिस हो रहे हैं और नेट नहीं रहता तो प्रॉब्लम करेगा। सो अभी देखते हैं, थोड़ा खाना पीना खा लेता हूँ, फिर खा के निकलते हैं। सो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ और बस निकलने वाला हूँ बाहर के लिए। तो बाहर पहले जाकर के लैपटॉप का काम कराता हूँ, लैपटॉप का काम कराने के बाद फिर मैं एक जगह और लेके जाऊँगा। वो कौन सी जगह है वो मैं बाद में बताने वाला हूँ, मैंने एक जगह ढूंढी है, बहुत ही मस्त जगह है वो, ब्लॉग को पूरा देखिएगा, तो वो जगह पर मैं लेके जाऊँगा। और हाँ, वो जगह पर मैं पहुँच पाता हूँ कि नहीं पहुँच पाता हूँ वो भी मैं देखता हूँ, क्योंकि वो जगह जो भी है, जो न्यू जगह है, वो जगह मैंने इंस्टाग्राम पर एक रील के थ्रू देखी कि हाँ एक जगह नई ओपन हुई है और वो कुछ बढ़िया सी जगह है। तो ब्लॉग में पूरा बने रहिए, उसमें मैं आपके लेके जाने वाला हूँ कि कैसी जगह है, क्योंकि थोड़ा मेरा काम भी था, वो काम भी कंप्लीट करूँगा और उसके बाद वो जगह पर भी ले जाऊँगा, और उसके बाद एक और चीज़ है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस ब्लॉग में, तो बने रहिए पूरा ब्लॉग में। अभी चलते हैं, निकलने वाला हूँ थोड़ी देर में बस। ओके सर, अभी मैं मेट्रो स्टेशन पर आ गया हूँ और यहाँ से मैं जा रहा हूँ दोहा अल जदीदा। सो एक जगह है अल दोहा अल जदीदा, वहाँ पर निकल करके वहाँ से मैं अल वतन सेंटर, लाइक 200 मीटर्स बाई वॉक है वहाँ से, तो वहाँ से मैं जा सकता हूँ। सो अभी निकलता हूँ मैं उधर के लिए। सो अभी मैं मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल आया हूँ और कुछ इस तरह दिखता है अल दोहा अल जदीदा जस्ट बाहर आने पे मेट्रो से। तो अभी मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ अल वतन सेंटर में, मेरे जस्ट सामने ही अल वतन सेंटर है। मैं एक बार अपना कैमरा टर्न करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे जाकर के मैं अपना लैपटॉप का पहले काम करा लेता हूँ, लैपटॉप का काम कराने के बाद एक लोकेशन और है वहाँ जाना है, तो वहाँ पे भी आपको लेके जाऊँगा, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है। जो लोग बहुत ज़्यादा बिरयानी को पसंद करते हैं उनके लिए भी एक वीडियो, एक शॉट बनाऊंगा इधर मैं पीछे तरफ, यहाँ पे एक इंडियन बिरयानी फैक्ट्री जहाँ पे सबसे बेस्ट बिरयानी दोहा की मिलती है, वहाँ पे भी मैं जाऊँगा और देखते हैं, अगर भूख लगा तो जाऊँगा, अगर भूख नहीं लगा तो नहीं जाऊँगा। बट मैं वीडियो में दिखा दूँगा आपको कि कहाँ पर वो लोकेशन है, तो वो आपको ईजी हेल्प होगा। और दूसरा मैं अभी अलवन सेंटर का दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या सीन है। मैं पहले भी यहाँ पर आया हूँ, गोल्ड के लिए मैं यहीं पर आया था, और इसके अंदर एक हब है जहाँ पर मोबाइल फ़ोन, एक्सेसरीज, लैपटॉप सबका काम होता है, तो वहाँ जा करके अपने लैपटॉप का काम करवा के ख़त्म करना है, फिर रिटर्न आना है। राइट, चलते हैं दिखाते हैं आपको। देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी गोल्ड की शॉप्स हैं, तो यहाँ पे आ सकते हो जिसको भी आना है, फोटोशूट चल रहा है यहाँ पे। ओके सो अल वतन सेंटर अंदर से कुछ इस तरह दिखता है, यहाँ पे शॉप्स ही शॉप्स हैं खूब सारी, सब आईफोन वगैरह यहाँ पे बहुत दबा के मिलता है, तो अच्छे प्राइस पे जिसको लेना हो ले सकता है, बट ध्यान से। लैपटॉप वगैरह का काम हो गया है मेरा, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम यह हुई कि जिस बंदे से मैंने लैपटॉप फॉर्मेट कराया था वो बंदा था नहीं, तो दूसरा बंदा था, तो वो मुझे बोल रहा है कि जो अभी काम कंप्लीट होगा वाईफाई का उसके लिए अलग से मुझे 50 रियाल चार्ज करेगा। मैंने बोला भाई मैंने ऑलरेडी ये काम कराया है, अब ये कंप्लीट नहीं हुआ तो ये आपका फॉल्ट है। राइट,
तो आपको कंप्लीट करना चाहिए इसको। तो उससे फिर मैंने कंप्लीट कराया, मैंने पे भी नहीं किया। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखने का कि जब भी कोई इस तरह की मार्केट में आ रहे हो आप, तो थोड़ा से मतलब अपनी चीज़ों पर ध्यान रखो और एक्स्ट्रा पैसे पे करना से बचो, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से उल्टे उल्टे चार्जेस करते रहते हैं यहाँ पे लोग। सो वही सीन है। ओके, सो अलवतन सेंटर से वापस जब मेट्रो स्टेशन में जाने लगो तो यहाँ पे एक शॉप आती है जो कि नई खुली है, इंडियन बिरयानी फैक्ट्री नाम से। तो अभी मैं वहाँ पे जा रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे बिरयानी कैसी मिलती है, कैसा है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे इनकी रील्स वगैरह बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर भी जाते हैं यहाँ पे रील्स वगैरह बनाने के लिए। देखिए बिरयानी कुछ इस तरह से दिख रही, दिखने में मुझे एकदम ऑथेंटिक लग रही है। और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे काम कर रहा था मणिपाल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, वो कर रहा हूँ, और बिरयानी तो बहुत मस्त लग रही। ओके, सो अभी मैं बाहर निकल चुका हूँ बिरयानी वगैरह खा करके, और भाई बिरयानी तो यार एक नंबर। लाइक लास्ट टाइम जब मैं हैदराबाद में था तब मैंने जो फ्लेवर की बिरयानी खाई थी सेम वही फ्लेवर की बिरयानी मुझे मिली। मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि लाइक मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि हाँ मैं दोहा में बिरयानी खा रहा हूँ, क्योंकि जो टेस्ट, जो फ्लेवर, जो अरोमा, सब कुछ सिमिलर वही मुझे हैदराबाद वाला ही लग रहा है। आज से अराउंड मैं 1.5 ईयर पहले हैदराबाद गया था कुछ टाइम के लिए, जस्ट 15 to 20 days के लिए था वहाँ पे। तो जो फील मैं वहाँ पे करा था बिरयानी के साथ, मैं 2-3 बार बिरयानी खाई, वही सेम फील आ रहा है यार, मस्त बिरयानी है। कभी लाइक जो भी मेरा ब्लॉग देख रहा है ना, आप लोग यहाँ पे आ सकते हो, अल दोहा अल जदीदा मेट्रो स्टेशन से उतर के 200 मीटर्स का बाई वॉक स्ट्रेट आपको नॉर्थ में जाना है, वहाँ से आपको सामने मिल जाएगा, या गूगल मैप कर सकते हो आप। तो अभी मैं वापस आ गया हूँ, चलते हैं। फिर से वापस। ओके, सभी मैं मेट्रो स्टेशन पे आ चुका हूँ अल दोहा अल जदीदा के, यहाँ पे वेट कर रहा हूँ मेट्रो का। तो फर्स्ट जो मेट्रो आएगी वो अलवकरा के लिए आएगी, सेकंड जो मेट्रो आएगी वो हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए आएगी। तो जो हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए आएगी उस पर मुझे जाना है, क्योंकि आज राकाश्री वापस आ रही है, तो मुझे जाना है एयरपोर्ट पिकअप करने उसको। तो मैंने अपना जितना भी सारा पेंडिंग काम था सब कर लिया है, लैपटॉप का खाना बिरयानी सब कुछ खा लिया है। अभी कोलकाता की बिरयानी खाने टाइम आ गया है, क्योंकि वो भी कोलकाता से शायद मेरे लिए बिरयानी ला रही है। तो हैदराबाद की बिरयानी हो गई, कोलकाता की बिरयानी खाना है अभी, उसके बाद फिर मैं लखनऊ की बिरयानी का जुगाड़ कर लूँगा कहीं ना कहीं से। तो देखते हैं अभी। ओके, सो फाइनली अभी मैं हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच चुका हूँ, बट अभी टाइम अराउंड हो रहा है 6:45 और वो आने वाली है अराउंड 9। तो मेरे पास अभी 2 घंटा है, 2 घंटे पहले ही पहुंच गया। तो 2 घंटा मेरे पास एक काम है, वो काम निपटा लूँगा, वो काम बताऊँगा आपको क्या है, अगर बताने लायक हुआ तो, मतलब दिखा सकता हूँ तो दिखाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं कैमरा। तो मैं एक बार देखता हूँ क्या सीन है, अगर वहाँ पे अलाउड हुआ तो मैं दिखाता हूँ आपको जाके। ओके, सो अभी एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये वॉलेट देखिए मेरा, जो मैंने लास्ट टाइम गया था मैं लिया था वहाँ से। ये वॉलेट मुझे कितना ज़्यादा प्यारा सा लगता है, एकदम छोटा से है, और सारा कार्ड वगैरह तुम इसमें रख लो, और यहाँ से प्रेस करने पे सारे कार्ड बाहर भी आ जाते हैं, और छोटा साइज़ का भी है तो पैसा से भी आराम से रख सकते हो। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये वाला वॉलेट, पिछला वाला वॉलेट थोड़ा बड़ा साइज़ का था इसलिए प्रॉब्लम होता था, अभी ठीक है, ये मस्त है लेकिन। ओके, सो अभी मैं एयरपोर्ट पे आ गया हूँ, और ये मैं टनल से जा रहा हूँ, जो मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट के बीच में लिंक रहती है वो टनल से मैं जा रहा हूँ। और ये देखिए यहाँ पे कुछ रोड वगैरह, यहाँ नीचे से मतलब रोड के ऊपर से जस्ट मैं जा रहा हूँ, और काफ़ी ज़्यादा क्लीन और ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब क्योंकि जब मेट्रो स्टेशन से कंपेयर करो तो हमेशा एयरपोर्ट ही बेस्ट ही लगता है, तो वही फील कर रहा हूँ मैं इस टाइम पे। और अभी अंदर चलते हैं यहाँ पे, देखिए अभी मैं अंदर आ गया, और अंदर से यार काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट है, और अंदर से भी काफ़ी बड़ा है, और दूर दूर तक लाइक फैला हुआ है ऐसा लग रहा है। तो हमें एकदम अंदर नहीं गया हूँ मैं, आउटडोर ही है ये, इनका आउटडोर है, इनसाइड और अच्छा बना हुआ है। तो अभी मैं चेक करने जा रहा हूँ यहाँ पे अराइवल कहाँ पे आते हैं, जो भी अराइवल होते हैं, तो वहाँ पे जा करके फिर बैठूँगा। अभी मैं एक जगह पे आके बैठ गया हूँ यहाँ पे, और 1.5 घंटे में फ़्लाइट आ जाएगी तो लेके निकल जाऊँगा। और जो मैं जगह बोल रहा था वो एक जगह है यहाँ पे, मैंने उसको भी इंस्टाग्राम के थ्रू ही देखा था, और वो जगह का नाम मुझे नहीं पता है, बट वो सूक वाकिफ का डमी बना रखा था, मतलब सेम सूक वाकिफ की तरह एक जगह बना रखी है वो हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, बट कहाँ पर वो मुझे पता नहीं। अभी उसको ढूंढने जाऊँगा मैं तो मेरा अच्छा खासा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो उसे बेटर है यहीं पर बैठा हूँ, और वाईफाई कनेक्ट कर लिया है मैंने, लैपटॉप भी साथ में ही है, तो थोड़ा सा अपना जो भी काम है कर लेता हूँ, और फिर जब आएगी तो देखते हैं। अभी बोर्ड पे दिखाने लगी है फ़्लाइट, तो एक फ़्लाइट नॉर्वे की आ रही है, एक एम्स्टर्डम से आ रही है, और एक दिल्ली से आ रही है। तो तीनों फ़्लाइट सेम टाइम पे लाई कर रही है यहाँ पे, और आधे घंटे में बस आ जाएगी फ़्लाइट, तो बस आधे घंटे और वेट करना है फिर निकलना है। देखो कौन आ रहा है, पूरा फ्लाइट खाली हो गया तो आखिरी में वो आ रहा है, लेके तो 2 बैग गई थी, आ रही है 1 बैग में। ओके, सो अभी इसको ले लिया, मतलब सीन क्या हुआ बताया, मैं आधे घंटे से वहाँ पे खड़ा था, क्योंकि जो एयर इंडिया थी वो फ्लाइट बोल रहा था कि 9 बजे आ जाएगा, ठीक है 9 बजे आ जाएगा, ठीक है। तो 9 बजे जा करके मैं वहाँ पे, यहाँ पे जहाँ पे लाइक जितने भी अराइवल्स होते मैंने हैं, तो बोला था नहीं, वो तो बात बात की है, पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ
कि 9 बजे मैं आके पूरा अराइवल, जहाँ पे अराइवल होता है ना वहाँ पे मैं खड़ा था। तो मैं सोचा अब आएगी, पूरी फ्लाइट खाली होगी, सब बंदा लोग बाहर आ गए, इसका नंबर लास्ट में आया। हर जगह पे इसका ऐसे ही रहता है सेम। तो आप नेक्स्ट टाइम से अगर आऊँगा भी ना तो मस्त हो जाऊँगा और एकदम लास्ट में उठ के फिर इसको पिकअप करने का। सारा बंदा उतर गया, सब लोग उतर गया, ये एकदम लास्ट में आ रही है, ये देखो अभी भी। और सबसे पहले क्या करा, अपना बैग मेरे को दे दिया और मेरा बैग खुद ले लिया, इसमें एक लैपटॉप पड़ा है और अपना खूब भारी बैग मेरे को दे दिया है। ओके सो अभी मैंने राकेशी को पिकअप कर लिया है और हम लोग अभी जा रहे हैं मेट्रो से अलवकरा और अलवकरा से फिर जाएंगे हम लोग ऊबर लेकर के अपने अकोमोडेशन पे। सो ब्लॉग को यहीं पे पोस्ट करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।